तो बोले भाई वो तो बीमार पड़े, हम तो नहीं उठा रहे उसके लिए, साफ बात बोलते हैं। कौन कर रहे ये बोल रहे? बोले अनीता को बुलाओ, रुचिका को बुलाओ। बोले दोनों माई बेटी है ना सो रही है। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. हमने देख यार भाई, ग्रुप केंद्र में, ग्रुप केंद्र की ग्रुप केंद्र कौन कांस्टेबल जी डी अजमेर में, अजमेर में, अजमेर में नजर की कोई फोटो वोटो पकड़ा जिसको स्थापित हूँ फोटो यार नहीं आएगी। कल श्री उत्तम कुमार जी शर्मा पुलिस शिक्षक ग्रुप केंद्र सेकंड, जिनके ग्रुप सेंटर की हुई जीडी की भर्ती के मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जांच ग्रुप केंद्र पत्रों में चल रही है। वहां पर एक अभ्यर्थी ऐसा आया है जिसके फॉर्म तो उसने स्वयं ने भरा है, लेकिन उसकी लिखित परीक्षा दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मामला धोखाधड़ी का पाए जाने पर श्री उत्तम सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। मैं दयानंद शर्मा, एएसआई थाना लोहित अजमेर। अभी वर्तमान में जीसी वन में एसएससी जीडी के फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जिसके तहत 28 तारीख को एक राकेश गुर्जर नाम का लड़का मेडिकल और फिजिकल के लिए आया था, जिसके बारे में वहाँ पता चला कि वो बंदा रिटन एग्ज़ाम में नहीं बैठा है और सिर्फ फिजिकल और मेडिकल देने आया है। इस बाबत इन्होंने लिखित रिपोर्ट दी थी कमांडेंट महोदय ने, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज किया। और राकेश गुर्जर जो सकाला पुलिस थाना टहला जिला अलवर का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया था, उससे हमने इंट्रोगेशन किया था और उसको हमने पीसी रिमांड पे पूछताछ की, तो पता चला कि एक दलाल है हरिकिशन माली, उसके मार्फत उसने पैसे दिए थे, जिसमें उसके तहत ही कोई दूसरा बंदा जो गुड़गांव में उसका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था 2 साल पहले, और किसी व्यक्ति को बिठाया था और ये सिर्फ फिजिकल और मेडिकल देने के लिए आया था। तो हरिकिशन को हमने कल गिरफ्तार किया है, आज हम उसको पेश करेंगे। सर कितने पैसे इन्होंने लिए थे? अभी अनुसंधान जारी है, कितने पैसे लिए, कितने लिए, आगे किसको दिए, इसके बारे में अनुसंधान जारी है।